आज हम इस वीडियो में ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करें तो ब्लड ग्रुप हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? नॉर्मली जब भी व्यक्ति का ब्लड लॉस होता है, ब्लड का लॉस होता है, ब्लड लॉस किसी कारण से भी हो, ब्लड लॉस किसी कारण से भी हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, चाहे बर्न से हो, चाहे मेजर सर्जरी हो, चाहे एक्सेसिव मेंसेस हो, एक्सेसिव मेंसेस, मेंसेस अगर एक्सेसिव मेंसेस भी हो रहे हैं तब भी, चाहे हिमैटिमेसिस से हो, सिस से हो, चाहे हीमोप्टेसिस से हो, चाहे मेलिना से हो, मैंने 100 कारण हैं, बहुत से कारण हैं ब्लड के लॉस होने के। यदि ब्लड लॉस होता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। ब्लड लॉस के बहुत से कारण हैं, लेकिन यदि ब्लड लॉस हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होगी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होगी, अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक बात पर निर्भर नहीं करता है, कई चीज़ों पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन निर्भर करेगा कि कैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसका कराएंगे। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अब हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने से पहले हमें 3 बातों को ध्यान रखना होगा कि उसका ब्लड टाइप क्या है, ब्लड टाइप क्या है। जो व्यक्ति ने ब्लड लॉस किया है, चाहे एक्सीडेंट की वजह से, चाहे बर्न की वजह से, चाहे जिस वजह से भी हो, अगर उसने ब्लड को लॉस किया है तो उसका सबसे पहले ब्लड टाइपिंग होगा, ब्लड टाइपिंग होगा कि ब्लड उसकी, ब्लड की टाइपिंग क्या है। उसके बाद उस ब्लड की टाइपिंग में 2 चीज़ें आती हैं, एबीओ टाइपिंग और आरएच टाइपिंग, एबीओ टाइपिंग और आरएच टाइपिंग। ये दोनों देखा जाएगा कि भाई इसमें उसका ब्लड ग्रुप, ये दोनों क्या करते हैं, उसका ब्लड ग्रुप का निर्धारण करेंगे। क्या करेंगे? जो व्यक्ति ने ब्लड लॉस किया है उसका ब्लड ग्रुप का एस्टिमेशन इनके आधार पर किया जाता है। क्यों इनके आधार पर किया जाता है? कि इनके जीन डोमिनेंट होते हैं और डोमिनेंट जीन होने के वजह से ये आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बनाते हैं। वो आगे बात करेंगे, ब्लड टाइपिंग पहले करेंगे। तो ब्लड टाइपिंग में 2, एबीओ टाइपिंग, आरएच टाइपिंग। दूसरा हमें करना क्या पड़ेगा कि हमें क्रॉस मैचिंग कराना पड़ेगा, क्रॉस मैचिंग कराना पड़ेगा ब्लड का। ये जरूरी नहीं है कि सेम ब्लड ग्रुप हो और उसके बाद सेम ब्लड ग्रुप के बाद भी रिएक्शन होते हैं, इस नाते क्रॉस मैचिंग भी कराया जाता है। तो किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए ये 3 बात पर हमारा, 3 बात पर निर्भर करता है कि पहले उसका हम ब्लड की टाइपिंग कराएंगे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, एबीओ टाइपिंग, आरएच टाइपिंग कराएंगे, उसके बाद क्रॉस मैचिंग कराएंगे, तब जाके हम जो है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे, तब जाके अब ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे। अब हम एक एक करके बात करते हैं,
पहला हम बात करेंगे एबीओ टाइपिंग की। एबीओ टाइपिंग की बात अगर हम करते हैं तो एबीओ टाइपिंग में कोई भी एबीओ टाइपिंग ब्लड ब्लड ग्रुप का निर्धारण हमेशा आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन पाया जाता है उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। यहां मैं आपको बता दूं, क्रॉस मैचिंग और ब्लड ग्रुप में दो विशेष अंतर है। क्रॉस मैचिंग में फोकस रहता है एंटीबॉडी पर और ब्लड टाइपिंग में फोकस होता है एंटीजन के ऊपर। इसका मतलब एबीओ टाइपिंग में हमारा जो एबीओ सिस्टम है इसमें हमारा सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर होगा? एंटीजन के ऊपर। किसके ऊपर होगा? एंटीजन के ऊपर। तो जब मान लीजिए आरबीसी जो है के सरफेस पे अगर ए एंटीजन पाया जा रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि ब्लड ग्रुप ए है इसका। अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप है। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन पाए जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप है। अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो उसको बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। तो जब आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन पाया गया तो उसका ब्लड ग्रुप ए, जब आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन पाया गया तो उसका ब्लड ग्रुप बी, जब आरबीसी के सरफेस पे दोनों एंटीजन पाया गया तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी, जब आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं पाया गया तो ब्लड ग्रुप ओ। ये एंटीजन ही जो है ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं। अब हम जानते हैं एंटीजन क्या है। एंटीजन क्या है? तो एंटीजन वो चीज है जो हमारे बॉडी में बाहरी, जो हमारे बॉडी के लिए नया हो, जो हमारे बॉडी के लिए नया हो वही एंटीजन है। माने एंटीजन एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी के लिए नया हो, हमारी बॉडी के अंदर न बनता हो, हमारी बॉडी उससे परिचित न हो, वो हमें उसको हम बोलते हैं एंटीजन। तो ये जो है जब आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन मौजूद है, ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, दोनों एंटीजन, इसका मतलब अब इस ए ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी पाई जाती है, अब बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीबॉडी पाई जाती है। यहाँ अगर हम एंटीबॉडी लिखते हैं और ये लिख देते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी, यहाँ पर कोई एंटीबॉडी नहीं होती, नहीं पाई जाती है, इसमें ए एंड बी बोथ एंटीबॉडीज पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई ए में ए एंटीबॉडी क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि ए ब्लड ग्रुप अपने समान एंटीबॉडी बनाएगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने लिए न नया है न अपने समान अपने जो है बॉडी के लिए एंटीबॉडी बनाएगा। ये किसके लिए एंटीबॉडी बना रहा है? बी के लिए, क्योंकि बी इसके लिए नया है, इस नाते ये जो है बी एंटीबॉडी बना रहा है। इसका मतलब कोई ब्लड ग्रुप मिसिंग एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। तो हमारा जो एबीओ सिस्टम है इसमें हमें क्या मिला कि दो एंटीजन मिल गए और दो एंटीबॉडी मिल गई, दो एंटीबॉडी मिल गई। एबीओ सिस्टम हमारा जो बना है दो एंटीजन से बना है, दो एंटीबॉडी से बना है। ये एबीओ सिस्टम जो बना है वो एबीओ सिस्टम में ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी के सरफेस पे पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पे किया जाएगा। अगर एंटीजन ए है तो आरबीसी ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन अगर दोनों हैं
तो ये भी अगर दोनों नहीं है तो एंटीबॉडी, इसका मतलब मिसिंग एंटीजन के खिलाफ, मिसिंग एंटीजन के खिलाफ ही बॉडी हमारी, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप ए में मिसिंग एंटीजन कौन है, बी, तो बी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। बी के पास मिसिंग एंटीजन कौन है, ए है, तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी बनाई। यहां किसके, यहां दोनों एंटीजन मौजूद है, कोई मिसिंग नहीं है, इस नाते इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। यहां पे क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको दोनों लोगों से खतरा है, इस नाते इसमें दोनों तरह की एंटीबॉडी मौजूद है। तो हमने ये देखा एबीओ सिस्टम। अभी इंटरनेशनल, इसके विषय में और थोड़ा सा बता दें, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको हम बोलते हैं ISBT, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने अभी तक RBC के सरफेस पे एबीओ ग्रुप से रिलेटेड, एबीओ ग्रुप से रिलेटेड 345 एंटीजन का वो खोजा है, एंटीजन मौजूद है आरबीसी के सरफेस पे, 345 एंटीजन इस मौजूद हैं, लेकिन इन 345 में 43 एंटीजन को मान्यता मिल पाई है। किसको, 43 को मान्यता मिल पाई है। इन 43 में जो है कुछ पैथोलॉजिकल होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल होते हैं और कुछ नॉन पैथोलॉजिकल होते हैं, कुछ नॉन पैथोलॉजिकल होते हैं। तो जो पैथोलॉजिकल होते हैं उनमें है एबीओ, आरएच टाइपिंग या सिस्टम, एबीओ टाइप या आरएच, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम या एबीओ एंटी टाइपिंग, आरएच टाइपिंग, ये दोनों टाइप के पैथोलॉजिकल हैं। इसके अलावा नॉन पैथोलॉजिकल है, 43 में जो दो निकाल दीजिए, बचे जो आपका 41 नॉन पैथोलॉजिकल है। नॉन पैथोलॉजिकल जो होते हैं वो रेसेसिव जीन से, ये जो है रेसेसिव जीन से ये गवर्न होते हैं, रेसेसिव। और जो ये पैथोलॉजिकल हैं इनके डोमिनेंट जीन से होते हैं, डोमिनेंट जीन से होते हैं, क्योंकि ये बीमारी को कॉज कर सकते हैं, ये बीमारी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस नाते जो है इनका जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे, हमने ट्रांसफ्यूजन करा दिया तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा, ब्लड क्लाट कर जाएगा, ब्लड का फ्लो हमारी कैपिलरी में अच्छी तरह से नहीं होगा, ब्लड के चैनल में नहीं होगा, और जो है सर्कुलेटरी सिस्टम फेल्योर हो जाएगा, और पेशेंट के लिए हीमोलिसिस हो जाएगी, एगुलेटिनेशन हो जाएगा, इस वजह से पेशेंट को लाइफ थ्रेटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इस नाते हमें इस बात को विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो पहली बात तो ये है, इंटरनेशनल सोसाइटी या ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने इतने वो। अब अगर देखते हैं कि हम देखें एक केस में, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो डोमिनेंट जीन है ए ए और ए ओ ए ओ, इसमें ए डोमिनेंट, इसका जो दोनों एलील हैं ये जीनोटाइप है, इसका जीनोटाइप जो है ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, इसको बोलेंगे हेटरोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप, ए ब्लड ग्रुप है। किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो उसका जो जीनोटाइप है बीबी है, अर्थात इसके दोनों एलील समान है, या एक एलील दूसरा एलील डिफरेंट है, तो इसका जो है बीबी या बीओ। और तीसरा जो है ए बी ब्लड ग्रुप जो है
उसमें दोनों एलील डोमिनेंट है, इस नाते इसको बोलते हैं कोडोमिनेंट। इसको क्या बोलेंगे? कोडोमिनेंट। यहां देखें, डोमिनेंट होमोजाइगस एलील, डोमिनेंट बोथ डोमिनेंट, बोथ डोमिनेंट होमोजाइगस एलील। यहां देखें, बोथ वन डोमिनेंट हेटरोजाइगस एलील, यहां बोथ डोमिनेंट होमोजाइगस एलील, यहां एक जो है डोमिनेंट हेटरोजाइगस एलील, यहां दोनों कोडोमिनेंट। ये हो गया कोडोमिनेंट डोमिनेंट, ये हो गया डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट हो गया। लेकिन ये होमोजाइगस एलील होने के नाते ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेटरोजाइगस डोमिनेंट है, ये होमोजाइगस ना हेटरोजाइगस डोमिनेंट, ये कुछ दोनों कोडोमिनेंट है, मतलब दोनों एंटी। अब तीसरा है ओ, ये जो है जीरो जीरो, ये जो है ये आपका जीरो न कहिए बल्कि ओ ग्रुप कहा जाता है इसको, ये रेसेसिव जीन है, इसके रेसेसिव रेसेसिव है, दोनों एलील इसके रेसेसिव होते हैं, तो इससे क्या बनता है? ब्लड ग्रुप ओ। वास्तुतः जो है जब हमारे आरबीसी के सरफेस पे हम देखते हैं तो आरबीसी के सरफेस पे जब ए एंटीजन है वो एक प्रिकर्सर एंटीजन एच से जुड़ा होता है, और जो बी ब्लड ग्रुप है वो भी एक प्रिकर्सर एंटीजन एच से बी जुड़ा हुआ होता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो ए और बी दोनों एक प्रिकर्सर एंटीजन से ए बी आरबीसी के सरफेस से जुड़ा हुआ होता है, और ओ वाला जो है इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है लेकिन इसमें एच प्रिकर्सर एंटीजन होते हैं। तो आपने देखा कि चार कंडीशन हमें मिल गई कि इसमें ए एंटीजन है, इसमें बी एंटीजन है, इतना तो इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ए बी है, और इसका जो है एच है एंटीजन। अब एक और ब्लड ग्रुप होता है जो कि होता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में प्रिकर्सर एंटीजन भी मौजूद नहीं रहता है, प्रिकर्सर एंटीजन भी मौजूद नहीं रहता है। बॉम्बे ब्लड ग्रुप में प्रिकर्सर एंटीजन भी मौजूद नहीं रहता है। इसका जो जीनोटाइप होता है वो जीनोटाइप होता है, उसको मैं इसको यहाँ पर लिखूं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ठीक, और यहाँ पे इसका जीनोटाइप अगर करें तो एच एच टाइप का, और ये जो ओ है इसको, और इसको दूसरे भी टर्म में रिप्रेजेंट किताबों में किया गया है, एच एच टाइप का और एच और स्मॉल एच एच। ये प्रिकर्सर जो है एंटीजन है, ये प्रिकर्सर एंटीजन सब में है, देखें प्रिकर्सर एंटीजन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इस नाते ओ ब्लड ग्रुप इन सब के लिए यूनिवर्सल डोनर हो जाता है कि भाई हमारे पास है प्रिकर्सर, ये इससे इनके ऊपर ओ पर नहीं प्रभाव पड़ता है। लेकिन यही ब्लड ग्रुप जब बॉम्बे ब्लड ग्रुप को दे दिया जाता है तो ये एंटीजन इस पर रिएक्शन कर जाता है। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले इंडिया में 10,000 में एक लोग बॉम्बे ब्लड ग्रुप के हैं, और एक लाख में जो है एक लोग वर्ल्ड में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के हैं। तो मैंने बता दिया कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप का जो ओ और भी इसको, इसका मतलब हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप है इन रिफरेंस ऑफ बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसका जीनोटाइप एच एच भी हो सकता है, जिसको बोलते हैं ये इसके लिए डोमिनेंट है, इन सब के लिए तो ये रिसेसिव बिहेवियर करता है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप का बिहेवियर एक ए ओ के लिए, ए बी के लिए, बी के लिए, ए के लिए रिसेसिव बिहेवियर है,
लेकिन इसका बॉम्बे ब्लड ग्रुप के लिए चूंकि एच प्रिकर्सर एंटीजन है, इस नाते एंटीजन बिहेवियर करके इसमें एंटीबॉडी बनाया, इस नाते यहाँ हिमोलिसिस एग्लूटिनेशन के चांसेस रहते हैं। जबकि इसमें जो है एच एच एंटीजन है और किताबों में ये बेसिकली जब इसके संदर्भ में बॉम्बे ब्लड ग्रुप के संदर्भ में पढ़ा जाता है तो इसमें कहा जाता है होमोजाइगस डोमिनेंट एच, मतलब एलील, होमोजाइगस एलील है, इसके दोनों एलील होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, इसके दोनों एलील में से एक एलील डोमिनेंट है और हेटरोजाइगस है, इसके जब बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, लेकिन इस सब के लिए ये रेसेसिव है, कुछ कुछ किताबों में ओ भी लिखा हुआ है। तो ये आपका हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं कि ये किसको दे सकता है और किसको ले सकता है। भाई डोमिनेंट जीन की वजह से वो रिएक्टिव एंटीजन बनाता है। जब भी देखें कोई चीज डोमिनेंट हो जाती है तो वो आरबीसी पर, जब उसका जीन ही डोमिनेंट है तो आरबीसी पर क्या बनाएगा, डोमिनेंट एंटीजन बनाएगा। अब देखते हैं कि एबीओ सिस्टम में ए ब्लड ग्रुप वाला, बी ब्लड ग्रुप वाला, ए बी ब्लड ग्रुप वाला और ओ ब्लड ग्रुप वाला, ए वाला ए को दे सकता है क्योंकि सिमिलर एंटीजन है तो ए वाला ए को दे सकता है, और किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है क्योंकि यहां जो केमिकल मौजूद है वही केमिकल यहां भी है। ठीक है, किसको किससे ले सकता है, ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ए से भी ले सकता है क्योंकि इसका एंटीजन समान है, इसके पास एंटीजन है ही नहीं तो इस वजह से इससे ले सकता है, यहां एंटीजन समान होने के नाते इसको दे सकता है। बी वाला क्या है, बी को दे सकता है क्योंकि एंटीजन समान है, और ए बी को दे सकता है क्योंकि एंटीजन समान है, और किससे ले सकता है, तो ले सकता है बी से क्योंकि एंटीजन समान है, और ओ से ले सकता क्योंकि ओ के पास एंटीजन है ही नहीं है। फिर इसी तरह देखें ए बी वाले के पास सारे एंटीजन मौजूद हैं, दोनों एंटीजन मौजूद हैं, तो किसको दे सकता है, दे केवल ए बी को दे सकता है क्योंकि इसके एंटीजन अगर और किसी में देंगे तो आप तो उसके एंटीबॉडी से रिएक्शन कर जाएंगे, इस नाते ये केवल दे सकता है ए बी को, लेकिन ले किस से सकता है, सभी से, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, ओ वाला सभी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है, और किससे ले सकता है, ओ से ही ले सकता है। इसका मतलब लेने देने का जो आधार है वो एंटीजन के आधार पे है, अगर एंटीजन समान है तो दे सकता है, ले सकता है, एंटीजन समान है तो ले सकता है, या तो एंटीजन इसके पास है ही नहीं तो इसके पास एंटीजन नहीं तो ले। अब यहां देने में देखिए, यहां देने में एंटीजन इक्वल है, ए बी एंटीजन है, इतना तेज को दे सकता है और इससे ये ले सकता है, ए एंटीजन इसके पास भी है, ये भी बी एंटीजन इसके पास भी है, ए बी एंटीजन इसके पास कहते हैं, ये इससे ले सकता, तो ये आपका यूं कहें कि ये रिसीव कर सकता है, रिसीव हो सकता है और गिव कर सकता है। तो ए वाला ए बी को ए को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, ए वाला ए को रिसीव कर सकता है। अब किससे नहीं कर सकता है, इनकम्पेटिबिलिटी किससे है, ए बी वाला ए को नहीं दे सकता, ए वाला बी को नहीं दे सकता और ए वाला ओ को भी नहीं दे सकता, इसका मतलब ये इनकम्पेटिबल हो गया। इसी तरह बी वाला क्या करेगा, बी वाला ए को नहीं दे सकता, ए
ए वाला बी को नहीं दे सकता, ए वाला ओ को नहीं दे सकता, ए बी वाला ए को नहीं दे सकता, बी वाला ए को नहीं दे सकता, बी वाला ओ को भी नहीं दे सकता और ए बी वाला जो है बी को नहीं दे सकता। इसका मतलब ये इनकम्पटेबल है और ये सब कंपटेबल है। क्रॉस मैचिंग में यही चेक करते हैं। फिर आते हैं इधर, देखते हैं कि ए बी वाला किस, ए बी वाला देखें तो ये ए को नहीं दे सकता, बी को नहीं दे सकता और ओ को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके पास जो एक नया केमिकल है बी, इसके एंटीबॉडी से रिएक्ट कर जाएगा। इसके पास जो नया एंटीबॉडी है, जो केमिकल एंटीबॉडी है, इससे रिएक्ट कर जाए, क्योंकि रिएक्शन शुरुआत करने की प्रॉपर्टी गुड एंटीजन में होती है, एंटीबॉडी में नहीं होती है। रिएक्शन शुरू कौन करेगा? एंटीजन। बात मेमोराइज कर लीजिए कि एंटीजन में ही रिएक्शन करने की प्रॉपर्टीज होती है, शुरू करने की प्रॉपर्टीज होती है। अब देखिए, अब ओ वाला क्या करेगा? ओ वाला ए से नहीं ले सकता, बी से नहीं ले सकता और ए बी से नहीं ले सकता। क्यों? इसके पास एंटीजन है, तीनों के पास, इसके पास एंटीबॉडी है तो रिएक्शन हो जाएगा। ये वाला ए बी के पास दोनों एंटीजन है, इनके पास एक एक एंटीजन है, इसके पास बेचारा एक भी एंटीजन नहीं है, तो रिएक्शन की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि यहां जो बी है इसके लिए नया है और यहां जो ए है इसके लिए नया है और यहां तो एंटीबॉडी दोनों मौजूद ही है, एंटीजन मिल जाएगा, वो तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें ए बी ओ इनकम्पटेबल हो गया। तो ये चीजें आ गई ए बी ओ इनकम्पटेबिलिटी में। तो इसका मतलब हमने एबीओ में देखा क्या कि ए ब्लड ग्रुप वाला किसको किसको दे सकता? ए को दे सकता। अब आपका क्वेश्चन, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अराइज होगा, उसको मैं आपको थोड़ा सा जो है वो बताता हूँ। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एक अराइज होगा जो है, सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अराइज ये होगा आपको कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ये ए बी को दे सकता है और ए बी वाला ए को क्यों नहीं दे सकता? एक क्वेश्चन मैं मान, अभी एग्जांपल लेते हैं। आप देखिए, ए केमिकल है, एंटीजन है, ए इधर भी है, इसके लिए समान है, तो हमने क्या कहा? रिएक्शन शुरुआत करने की। लेकिन बी, इसके अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है? बी एंटीबॉडी है और इसके अंदर क्या है? ए के पास, ए के पास भी बी एंटीबॉडी है, बी के पास ए एंटीबॉडी है। ये जो बी है ये इससे रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि एंटीजन के पास पावर होती है रिएक्शन। लेकिन ये चूंकि हम एक यूनिट या ब्लड चढ़ाएंगे या एक यूनिट डेढ़ यूनिट, तो 5 लीटर में जाके डाइल्यूट हो जाता है। मतलब क्या है? जैसे एक यूनिट ब्लड किसी को चढ़ाना है, आज के इस परिवेश में नॉर्मली जो है जो ब्लड ग्रुप का रहता है वही ब्लड ग्रुप चढ़ाते हैं, लेकिन जो है अगर नहीं मिलता है तो सेकंड चॉइस में हम जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड चॉइस में दूसरा ब्लड ग्रुप लेते हैं। ये ए है तो ये ए बी को दिया, लेकिन माइनर रिएक्शन के साथ, माइनर रिएक्शन के साथ दिया। यहाँ माइनर रिएक्शन हुआ क्योंकि एंटीजन यहाँ पर बी था इसके। अब मान लीजिए एक यूनिट ब्लड चढ़ाए उसको, 450 ml था उसमें, तो आप उसमें समझिए 55% आपका जो है प्लाज्मा होगा, 45% आरबीसी होगी और एसिड, एसिड डेक्सट्रोज साइट्रेट, साइट्रेट एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज एंटीकोएगुलेंट होगा। तो इसमें कोई एंटीकोगुलेंट मान लीजिए 100 ml है, 200 ml ये है 100। अब ये 5 लीटर ब्लड इसमें जाएगा तो ये डाइल्यूट हो जाए। लेकिन अब यहाँ देखें दूसरे केस में, ए बी वाले के पास कोई जो है एंटीजन दोनों है, यहाँ एक एंटीजन है, इसके पास एंटीबॉडी है बी
और ये बी इसके लिए नया केमिकल है, बी नया केमिकल है, और बी एंटीबॉडी की मात्रा बहुत ज्यादा है, हाई, और ये बी एंटीजन भी नया, मतलब जो है इसके लिए नया केमिकल है, तो ये इससे मेजर रिएक्शन करेगा, मेजर रिएक्शन करेगा। बात समझ में आई कि जब हम ये वाला ब्लड चढ़ाते हैं तो उसके पास एक एंटीबॉडी है, ए बी के पास एक एंटीबॉडी है जो बी एंटीजन से क्रिया करेगी, एक यूनिट अगर हमने ब्लड चढ़ाया। नॉर्मली तो पहले ए वाले को ए ही प्रीफर किया जाता है, तो ये वाला ए बी को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन ए बी वाले को, ए बी, ए वाला ब्लड ए बी को दिया जा सकता है, लेकिन ए बी वाला ब्लड ए को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यहां मेजर रिएक्शन है और यहां माइनर रिएक्शन है, यहां माइनर रिएक्शन है, यहां मेजर, इसको कहते हैं मेजर क्रॉस मैचिंग, इसी को मेजर क्रॉस मैचिंग में हम आएंगे, आगे देखेंगे, इसी को देखेंगे। इसका मतलब डोनर की, डोनर की आरबीसी और रिसिपिएंट के, रिसिपिएंट की जो है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में जो डोनर की आरबीसी में जो एंटीजन है और रिसिपिएंट के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है, इसके बीच में जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं मेजर रिएक्शन। क्यों मेजर रिएक्शन होता है? क्योंकि यहां एंटीबॉडी का टाइटर हाई है, और एबी वाले को जब ये चढ़ाएंगे तो यहां एंटीबॉडी का टाइटर हाई नहीं है, थोड़ा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा इनकम्पेटिबिलिटी। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा इनकम्पेटिबिलिटी। तो इस नाते ए वाला ब्लड, चूंकि ए वाला एंटीजन इसके लिए नया केमिकल नहीं है, इस नाते इसको दिया जा सकता है, लेकिन एबी वाले में क्या है, ए तो समान है, एक केमिकल तो समान है, लेकिन बी वाला एंटीजन, बी वाला एंटीजन इसके लिए नया है। तो पहली बात यह है, हमने कहा लेने देने का आधार क्या है, एंटीजन है, इसका मतलब जो है बी इसके लिए नया है, यहां क्या है, ए इसके लिए था, लेकिन इसके पास था तो ये इससे थोड़ा सा माइनर रिएक्शन कर जाएगा, माइनर रिएक्शन हो जाएंगे, उसको हम एविल डेक्सट्रोज से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन इस केस में आप क्या करेंगे, एंटीबॉडी टाइटर बहुत ज्यादा है, एंटीजन भी नया है, तो मेन बात यह है कि एंटीजन नया है, तो किसी को जब एंटीजन नया है तो उस चीज को, वो चीज हम नहीं कर सकते हैं।